नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है गढ़कलेवा। आज हम गढ़कलेवा में हैं और हमारे साथ महिला समूह की अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि इस गढ़कलेवा का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जहां छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं उनको प्रमुखता से बनाया जाता है, या ये कहें कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही यहाँ पर बनाए जाते हैं और नाश्ता से लेकर खाने तक की यहाँ पर व्यवस्था है। किस तरीके से इस समिति का और इस गढ़कलेवा का संचालन किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, और महिला समूह कैसे इस इतने बड़े परिसर में अपने आप को स्थापित करके रखी हुई हैं, गढ़कलेवा के नाम पर कैसे इतना बड़ा व्यवसाय संचालित कर पा रही हैं, हम उनसे बात करेंगे और कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर किन किन समस्याओं का सामना भी उनको करना पड़ा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जय जोहार, मेरा नाम मंजू है और मैं समूह की सचिव हूँ। ये गढ़कलेवा काफ़ी समय से यहाँ पर चल रहा है, आप बताएंगे कि दरअसल ये किसकी संकल्पना थी, किसकी सोच थी और आज क्या स्थिति है? जी, ये जो गढ़कलेवा है, ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन, ये संस्कृति विभाग का, मतलब उनका ये था कि मतलब हर चीज़ संस्कृति, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पर वो है अजायब घर है, संग्रहालय है, तो ये छत्तीसगढ़ जो सरकार हमारा ये चाहती थी कि हमारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी को एक पहचान मिले, उसको ही लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के ये गढ़कलेवा बनाया गया था। और जब उस टाइम ये गढ़कलेवा जो जगह है इसको बनाए थे, उस टाइम हमारे श्री राकेश चतुर्वेदी सर जी थे, उन्होंने ही हमारी समूह को, मतलब हमारा ये जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है ये तो 10 सालों से चल रहा था, पहले डगनिया में चलता था, तो वो ही टेस्ट किए थे और वो बोले कि आप लोग यहाँ पर चलाइए, ऐसा करके मोनिशा समूह था, तो उनको बोले कि आप लोग यहाँ पर चलाइए, छत्तीसगढ़ी व्यंजन को भी आगे बढ़ाइए, हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो वही हमको मौका दिए थे यहाँ चलाने के लिए। कुल कितनी महिलाएँ आप लोग काम कर रही हैं और कैसे आप लोग आजीविका चलता है, कितना यहाँ से आप लोग का एक, मतलब अगर रोज़गार के तौर पर देखा जाए तो क्या सभी महिलाएं संतुष्ट हैं इतने समय से आप लोग काम कर रही हैं? हमारे यहाँ पर तो अभी कम से कम 50 से 55 महिलाएं काम कर रही हैं, और एक समूह ही नहीं है, 2-3 समूह भी जुड़े हुए हैं, सभी समूह जुड़ करके काम कर रहे हैं। और अभी कोरोना काल में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, अभी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्यंजनों की अगर बात करें तो ऐसा बताइए जो छत्तीसगढ़ के बहुत खास व्यंजन हो, और किस किस तरह के व्यंजन हैं यहाँ पर, आखिर कैसे उसकी तैयारी करते हैं आप लोग? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का जो भी व्यंजन है, जितना हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का, छत्तीसगढ़ का जो, हम वो सब खिलाएं यहाँ पर। जहाँ तक अगर हम लोग चाहते हैं कि जगदलपुर, बस्तर, इधर जो भी बनता है, अभी हम लोग मड़िया पेज का उसको भी बनाने के लिए हम लोग वहाँ से बुलाए हैं ट्रेनिंग के लिए, आएंगे वो भी हम लोग को सिखाएंगे, तो हम वो भी रखेंगे गर्मी में। और बाकी चीला, फरा, उड़द बड़ा और यहाँ पर का पिड़िया, ऐसा, ये सब तो फेमस है ही है। प्रत्येक जिलों में इस गढ़कलेवा की स्थापना की गई है, आपको पता ही होगा जी। तो जिस तरीके से सभी जिलों में इसको स्टार्ट किया गया, लगता है कि ये क्वालिटी जो यहाँ पर आप लोग के द्वारा दिया जा रहा है बाकी जिलों में भी है, क्या लगता है आपको, इससे महिला उत्थान में एक अच्छा प्रयास है या कहीं ना कहीं से डैमेज हो रहा है वो चीज़ जो आप लोग एक ब्रांड बना के यहाँ पर रखे हुए हैं? हम तो चाहते हैं कि ये सारे ज़िले में खुले और इसका प्रचार प्रसार हो, हमारी जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, जो ये आगे बढ़े। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम लोग इसको इतने सालों से चला रहे हैं, इसका क्वालिटी इतना, ये सब हम इतना अच्छे से इसको आगे बढ़ाए हैं, तो ये वैसे ही हर ज़िले में रहे, मतलब इसका जो नाम हो वो ना हो, ख़राब ना हो, क्वालिटी जो हम दे रहे हैं वैसा ही रहे। अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ की समूह के आके वो लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि महिलाएँ आगे बढ़े और हमारा जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है वो भी आगे, इसको प्रचार प्रसार हो, सभी लोग पहचान बने, मतलब इसको हर जगह लोग एक अच्छे उससे देखें। जिस तरीके से सरकार ने आनंद फानंद में सभी जिलों में गढ़कलेवा शुभारंभ करवा दिया, तो एक तरीके से देखा जाए तो जो महिला समूह वहां पर पहले से होटल या कैंटीन चलाती थी उन्हीं को दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा उनको अनुभव नहीं है, आप लोग जिस तरीके का स्वाद यहाँ पर दे रही हैं या जिस तरीके का क्वालिटी है खाने का, वैसा कुछ कहीं पर मिल नहीं पा रहा है, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए सरकार को उसमें, और क्या अलग से कुछ करना चाहिए था, ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए क्या उन लोगों को? मैं चाहती हूँ, सरकार से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो हमारा यहाँ पे जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वही हर ज़िले के गढ़कलेवा में रहे, और जो सामान हम दे रहे हैं, हम चाहते हैं इसमें और भी हर डिस्ट्रिक्ट का जो भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उसको आगे बढ़ाएँ, और जैसे अगर वहाँ की महिलाओं को कोई परेशानी है तो उनको ट्रेनिंग दिलवाएँ। We'll be right back.
हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं समूह के, हम उनसे बात करेंगे। श्रीमती रेखा तिवारी, ज्ञानदीप महिला स्व सहायता समूह, गोबरा नवापारा से। आपको इस गढ़ कलेवा की जिम्मेदारी कब से मिली है? हमारे ये अगस्त 2020 से हम लोग को ये गढ़ कलेवा की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि उस समय क्या था, कोरोना काल के कारण से हम लोग को उतना रिस्पांस नहीं मिल पाया, और अभी थोड़ा सा अभी हम लोग का काम बढ़ा है। उसके पहले तो यहाँ बहुत ही कम लोगों का आना जाना था। तो रहने वाली मुख्य तौर पे कहाँ से हैं? मुख्यतः हम गोबरा नवापारा से हैं। अच्छा जी, तो यहाँ जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं वो भी उधर से ही है यहाँ? जी नहीं, यहाँ पूर्व में जो समूह की महिलाएं जो सब खाली हो गई थी, तो उनको हम लोगों ने इनमें यहाँ रख लिया है। साथ ही दो चार हमारी महिलाएं जो है यहाँ आती हैं, और मैं तो हर एक दो दिन के अंतर्गत आकर देखते रहती हूँ और सब चीज़ का ब्यौरा लेती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब जानकारी लेती हूँ। ट्रेनिंग आप लोग को पहले से किसी ने दिया, या किस तरीके से शुरुआत कैसे हुई? हम लोग का ये पुराना प्राचीन परंपरा है, हमारी दादी जी है, नानी है, ये इनसे हम लोगों ने सीखा है और उन्हीं से हमको ये मिला हुआ है, मतलब ये समझो कि हमको वरदान मिला है। तो आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के लिए जाना जाने वाला जगह है गढ़ कलेवा, और जैसा मैडम बता रही हैं ये पुराने समय से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ के जो व्यंजन हैं वो छत्तीसगढ़ के अलावा संभवतः और किसी अदर स्टेट में या जगह पर नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण शायद छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं होगा। हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं, रायपुर के गढ़ कलेवा में हैं, और गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की भरमार है। अगर आपको छत्तीसगढ़ी खाना खाना हो तो शायद इससे बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता। हमारे साथ गढ़ कलेवा की अध्यक्ष और सचिव से हमने बात किया, अभी हम खाने के काउंटर पर हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन में आखिर क्या क्या है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, थाली है, छत्तीसगढ़ी खाना है ये। इस थाली में क्या क्या परोसा जाता है, क्या क्या सर्व किया जाता है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। भैया मेरा नाम मीनाक्षी मानीपुरी है, और हमारे यहाँ पूड़ी बना है, आज रोटी बना है, चावल हम डेट के हिसाब से चौसेला भी देते हैं, मीठा में खाजा है, कढ़ी है और पापड़ है। तो ये हर दिन मेनू जो है वो बदलता रहता है? यस सर, संडे को स्पेशल रहता है हमारे यहाँ, और इडहर कड़ी बनाते हैं हम लोग संडे को। और किस किस तरह का सब्जी रहता है या खाने में, और क्या क्या चीज़ें बदलती रहती हैं? सीजन वाइज में सब्जी होता है हमारे यहाँ, भाजी भी बनाते हैं और कढ़ी डेट बाई डेट चेंज होता रहता है। इस पूरे काउंटर में कितने महिलाएं हैं आप लोग, और क्या ये पूरा काम महिलाएं ही करती हैं खाना बनाने? जी सर, हमारे काउंटर में पूरे काम महिलाएं ही करती हैं, ज्ञानदीप महिला सशक्त समूह से। इसमें क्या है, तेल की मात्रा काफ़ी कम होती है, और छत्तीसगढ़ी व्यंजन को देखकर, यहाँ के खाने की क्वालिटी को देखकर देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ लुत्फ उठाते हैं, और उनका मांग है कि यहाँ की जो खाना है और अन्य जो खाना से काफ़ी बेहतर है, तेल की मात्रा ही कम होती है यहाँ और साफ़ सुथरा रहता है। अपने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हम लोग भाजी सब्जी कढ़ी इड़हल जो बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ गढ़ कलेवा में भी बनाया जाता है। कितने प्रकार की थाली आपके यहाँ लगाई जाती है? यहाँ हमारे यहाँ एक ही प्रकार से बनता है, खाने को जो देते हैं एक ही प्रकार से थाली लगाया जाता है, जिसमें पूड़ी है आपका, दो सब्जी देते हैं और पापड़ रहता है, चावल रहता है, दाल और एक मीठा देते हैं हम लोग। कहना चाहिए अपना शुद्ध और बिल्कुल कहना चाहिए प्राकृतिक रहता है, इसमें कोई मिलावट नहीं रहता और ना ही इसके लिए कोई समय लगता है। जैसे कि आप अरसा को ले लो, चावल पिसान से बनता है, हाँ गुड़ का राव लगाओ, उसमें डाल दो, गरम सा ऐसा कहना चाहिए, घंटा भर नहीं लगता, तैयार हो जाता है।